अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रात की तेज़ तरीन बारिश, तूफ़ानी बारिश आप उसको कह सकते हैं, और उसके बाद अब मैं ऊपर आई हूँ। धूप तो बहुत अच्छे से निकल चुकी है, बहुत देर तक कोई 3-4 घंटे बारिश होती रही है, मूसलाधार बारिश थी, गरज चमक थी और हवा बहुत तेज़ थी। और ये देखें, मेरा जो रूफ टॉप गार्डन है वो ऑलमोस्ट तहस नहस हुआ पड़ा है। ओहो, ये देखें, अभी कल ही मैंने खजूर, और वो भी उसकी भी हालत गैर, बारिश बहुत तेज़ थी। ओहो हो 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 हो, कैसे पौधे गिरे पड़े हैं, बारिश बहुत तेज़ थी, पानी बहुत ज़्यादा होगा इनमें, गमलों में, जिसकी वजह से ये देखें पौधे भी, पौधों ने भी मिट्टी छोड़ दी, और वो बारिश की वजह से, तेज़ बहाव था पानी का, बहुत ज़्यादा बारिश थी। अल्लाह हू अकबर, नेट गिर चुका है, गमला टूट चुका है, ये गमले बच गए हैं और ये गमला टूट चुका। ओहो, उसकी नेट की जो वायर थी ऊपर, वही निकल के नीचे गिर चुकी है, और ये बहुत लंबा चौड़ा काम मुझे लग रहा है। और ये सारे मेरे इंडोर प्लांट्स हैं, इन पे ज़्यादा धूप भी नहीं आनी चाहिए। तो इधर देखें, ये देखें, अल्लाह हू अकबर, और इन पे मुझे हैरत है कि ये कैसे बच गए, ये दीवार पे पड़े हुए प्लांट्स, लेकिन वो नहीं गिरे, और जो ज़मीन पे पड़े हुए प्लांट्स थे, ओ माय गॉड, ये भी टूट गया है, मेरा गमला, मेरा पौधा, ओहो, मुझे तो रोना आ रहा है उनको देख देख के। टायर कहाँ गिरा पड़ा है, क्यारी की सूरत हाल देखते हैं। ये ऑलमोस्ट ठीक है। ओए हो हो हो, इधर ज़्यादा बुरी हालत है पौधों की। सूरजमुखी का पौधा देखें, जड़ से ही निकल गया, बहुत तेज़ हवा थी, बहुत तेज़ हवा थी। ये टैंकी का ये देखें, एक गमला यहाँ गिरा पड़ा, वाटर फ्लावर प्लांट है इसमें। इधर वाले पौधों की हालत, गमलों की हालत कदरे बेहतर है, लेकिन इस कॉर्नर को ज़्यादा नुकसान हुआ, और वहाँ पे 2-3 गमले थे, अभी मैंने कल ही सेटिंग की थी, बहुत गंद मचा हुआ था। तो आज मेरा प्लान था इसको साफ़ करने का। ये देखें, नए पौधे लगाए थे, पानी ज़्यादा होने की वजह से गमलों में पानी ठहरा होगा। ये देखिए, इसका रूट बॉल कितना अच्छा है, और ये गमला भाई, ओहो,
यकीन जाने मुझे तो रोना आ रहा है अपने पौधों को देख के। इसी चीज़ से मैं डर रही थी और वही हुआ जिसका डर था। बहुत ज़्यादा पानी की वजह से जब गमले में रहता है। ओहो ये देखें ये क्या हो गया, इसमें भी बहुत ज़्यादा पानी का प्रेशर होगा और ये सारी मिट्टी इसकी नीचे जा चुकी है। जो इसमें सुराख किया गया था उसमें से सारी बह के ये नीचे ज़मीन पे जा चुकी, और ये मैंने यहाँ पे सीडलिंग की थी मुख्तलिफ पौधों की, जो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई उसमें से बचा होगा, वो सीड्स भी निकल गए होंगे। अल्लाह अकबर। कुछ ये जो सीडलिंग की थी इनमें से प्लांट्स बनने शुरू हुए हैं कुछ के, ये मॉर्निंग ग्लोरी है उसकी सीडलिंग अच्छे से स्टार्ट हो गई, साइप्रस वाइन और कॉक कॉम वो इसमें की थी ये स्टार्ट हो गई, और इसका मैं भूल चुकी हूँ कि कौन सी थी। अल्लाह नुकसान हुआ है और मेरा तो अच्छा खासा ही हो गया, ख़ास तौर पर जब गमले टूटते हैं पौधे गिरते हैं पौधे टूटते हैं तो उसका दुख एक गार्डनर जो है वही जान सकता है, वो भी वो जिसने बहुत मेहनत से अपने पौधों को सींचा हो, अपने पौधों को। ये जी अब लंबा चौड़ा काम है, टाइम लगेगा इसमें। जो गमले गिर चुके हैं टूट चुके हैं उसको हम उनके पौधों को हम दूसरे गमलों में शिफ्ट करेंगे, और जो गिरे पड़े हैं पौधे उनको हम, ये फूल तो मुझे चाहिए, मैंने इनका ऑयल भी बनाना है और इनसे शैम्पू भी बनाना है। बहुत अच्छा है ये हिबिस्कस बालों के लिए, इसके फूल भी इसके पत्ते भी, इसके जो बेनिफिट्स बालों के लिए हैं आपकी सोच है, तो वो मैं बनाऊँगी। ओहो दुख हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, हर चीज़ तहस नहस हुई पड़ी है ऑलमोस्ट। ओ ओ ओ अल्लाह अकबर। ये देखिए ये पौधे जो हैं शिफा प्लांट्स इन्हें कहते हैं, और ये मैंने अपने हाथों से कटिंग से ग्रो किए थे, और ये माशाल्लाह ये तीन और एक ये तकरीबन चार पांच पौधे थे जो मैंने हाथों से अपने हाथों से कटिंग्स लगाई और ये ग्रो हुए। अभी और एक दो मज़ीद कटिंग्स लगाई हैं, तो ये अब देखें उस कटिंग के से टूटा है तो दुख तो होता है ना। कोरे कुछ पौधे जब टूटते हैं तो बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है। ये देखें गमला इतना बड़ा जो गमला है वो टूटा हुआ है, अब इसको हम किसी और बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे। ऐसे मैं सोच ही रही थी इसको किसी बड़े गमले में शिफ्ट करने का, लेकिन ये इरादा नहीं था कि इस गमले को तोड़ूंगी, ये इरादा था कि इस गमले में कोई और पौधा जो है वो लगाएंगे, लेकिन चले अल्लाह ताला कुछ और ही मंजूर। तो ये था जी
बहुत मूसलाधार बारिश, तूफ़ानी बारिश जिसको आप कह सकते हैं, उसके बाद का मेरे रूफ टॉप का अपडेट।